अगर अनुज अनुपमा अलग हुए हैं तो वो गलतफहमी की वजह से, और ये गलतफहमी पैदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि माया, बरखा और वनराज हैं। जहां माया ने अनुज और अनुपमा के बीच गलतफहमी पैदा की जिसे बढ़ाया बरखा ने, और उसके जरिए अनुज और अनुपमा को अलग करके उनके बीच दूरियां बनाने का काम किया वनराज ने। पर खबरें हैं कि अब इन तीनों का सच अनुज के सामने आने वाला है, जिसे पाकि के जरिए पता लगेगा कि अनुज और अनुपमा को दूर करने के लिए माया और बरखा ने प्लान बनाया था, और माया से अनुज को पता लगने वाला है कि वनराज का क्या इरादा था और उसने क्या क्या किया है। अब जैसा कि प्रोमो में आपने देखा होगा कि अनुज ने ऐलान कर दिया है कि वो अनुपमा के लिए आ रहा है, तो वो आएगा और आकर वनराज को एक्सपोज करेगा कि उसने दोबारा से अनुपमा को पाने के लिए उसे भड़काया, उसके दिल में अनुपमा के लिए नफरत पैदा की और अनुपमा के करीब गया। इस तरह से वो अनुपमा की आंखें खोलेगा कि जो वनराज उसका दोस्त बन रहा था उसके पीछे उसका एक खास मकसद है। तभी वो अनुपमा के प्रति इतना लगाव रखने लगा था, और ये सब जानने के बाद अनुपमा को बहुत गुस्सा आएगा वनराज पर, और वो वनराज को बहुत कुछ सुनाकर वहां से अपने अनुज के साथ चली जाने वाली है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि वनराज का काला चिट्ठा अनुपमा के सामने खुले? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।